सटे गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन उपजा ने पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की मौत की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की है। मांग को लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम उपजिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी और प्रदेश सरकार की तरफ से बच्चों की मुफ्त शिक्षा दीक्षा की मांग की। यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन उपजा के गाजियाबाद और तहसील मोदीनगर इकाई से जुड़े पत्रकारों ने सुलभ श्रीवास्तव की मौत की जांच सीबीआई से कराने के अलावा परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने की मांग की। साथ ही उनकी पत्नी या एक परिजन को सरकारी नौकरी देने के साथ साथ उनके दोनों बच्चों के शिक्षा दीक्षा का मुफ्त इंतजाम किए जाने की मांग उठाई। मांगों को लेकर एक ज्ञापन राज्यपाल और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम उपजिलाधिकारी को सौंपते हुए 15 दिनों में मांगे पूरी किए जाने की बात कही। पत्रकारों ने ज्ञापन में ये भी कहा कि यदि प्रदेश सरकार द्वारा उनकी मांगों को 15 दिन के भीतर पूरा नहीं किया जाता तो देश और प्रदेश स्तर पर यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन उपजा समेत अन्य पत्रकारों की संस्थाएं आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगी। आज हम एक ज्ञापन सौंपना आए थे जिलाधिकारी महोदय को, जिसमें अभी 13 तारीख में हमारे एक पत्रकार साथी सुलभ श्रीवास्तव की मौत हो गई है, जिसे पुलिस प्रशासन ने एक्सीडेंट का नाम देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की है। लेकिन जिस हालत में उनका शरीर हाईवे पर पड़ा मिला है, उससे यह जाहिर होता है कि उनकी हत्या की गई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हमारी किन किन चीज़ों की मांग की गई है? हमने आज ये मांग की है राज्यपाल महामहिम राज्यपाल को और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को एक ज्ञापन के माध्यम से कि मृतक के परिवार को 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए, उनकी पत्नी को या किसी भी परिजन को सरकारी नौकरी दी जाए और उनके जो बच्चे हैं दो, उनकी शिक्षा दीक्षा का मुफ्त इंतजाम किया जाए प्रदेश सरकार की तरफ से। बता दें कि प्रतापगढ़ में 13 जून की रात्रि एबीपी न्यूज के रिपोर्टर सुलभ श्रीवास्तव घायल अवस्था में पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया।